सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आप देख सकते हो यार, ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट नहीं है, काफी रियलिस्टिक लग रहा है। अब तक तो आपको दिखाया नहीं मैंने पूरा। तो आज की वीडियो में हम लोग GTA 5 नहीं खेल रहे। बहुत लोग बोल रहे थे भाई कब से GTA 5 खेल रहे, बाकी गेम भी ट्राई कर, तो हमने माइनक्राफ्ट चालू कर दिया। वैसे भी डैनियल जी बहुत बोल रहे थे कि माइनक्राफ्ट खेलते रहो, तो सब्सक्राइबर बोले तो अभी खेलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने माइनक्राफ्ट डाउनलोड कर लिया। बट यहाँ पे एक कैच आता है, तो यहाँ पर जो है हमने शेडर्स इंस्टॉल की एंड से अब तक शेडर किया, एंड आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। मीन सच में तो सबसे रियलिस्टिक तो आई गेस वाटर ही लग रहा है। एंड ऑफकोर्स रे ट्रेसिंग तो GTX में अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट ऑन GTX सीरीज। बट ठीक है, मेरे को तो उल्टा रे ट्रेसिंग जितना लग रहा है अच्छा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे जो कूल बात होती है शेडर की, वाटर उसमें बहुत कूल दिखता है। ऑफकोर्स मैं टेक्सचर पैक अब तक इंस्टॉल नहीं किया रियलिस्टिक वाला, तो आगे वीडियो में मैं टेक्सचर पैक भी जो है इंस्टॉल करने वाला हूँ। एंड ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि मैं एक सर्वाइवल सीरीज बनाऊं, बट मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट का एक वीडियो डालता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो, एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आगे माइनक्राफ्ट की वीडियोज देखने, एटलीस्ट सर्वाइवल सीरीज। एंड बाकी GTA की सीरीज भी चलती रहेगी, टेंशन मत लो। तो यार आप देख सकते हो कि सबसे रियलिस्टिक पार्ट इज वाटर। ऑफकोर्स यू कैन सी वेव्स भी दिख रहे, एंड ऑफकोर्स यू कैन सी द शेडोज, क्योंकि शेडर पैक है तो शेडोज तो होंगे ही। एंड यार सच में रियलिस्टिक, एंड स्काई देखो बस आप यार, एंड सन को देखेंगे तो सच में। एंड मैंने जो है एक्सट्रीम वर्जन डाउनलोड किया है ये शेडर्स का, तो मेरा पीसी ऑफकोर्स यार इतना बीस्ट तो सपोर्ट कर लेगा। एंड आप देख सकते हो मेरा शेडो जो वो माउंटेन के ऊपर दिख भी रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो शेडो है मेरा भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली शेडर पैक से आपका माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड डेफिनेटली थोड़ा रियलिस्टिक बन जाएगा। एंड बाद में जब टेक्सचर पैक डाल देगी हम आगे वीडियो में, तो यार और भी रियलिस्टिक बन जाएगा। बट उससे पहले हम थोड़ा सा लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड देखते हैं भाई कैसा लगता है ये शेडर पैक। GTA सीरीज में आई डोंट थिंक इससे बेस्ट मिलेगा, तो ये शेडर पैक का मैं लिंक जो है नीचे डाल दूंगा, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। बट ये शेडर पैक जो है ये पॉकेट एडिशन में नहीं चलेगा या फिर विंडोज एडिशन, इट विल ओनली वर्क ऑन द जावा एडिशन। तो जावा एडिशन है तो ये चलेगा ये। एंड द कूल थिंग यार वाटर तो है, वाटर में सन का जो है रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लावा जो है वो पूरा एक्चुअल में ग्लो कर रहा है। डेफिनेटली लावा काफी रियलिस्टिक दिख रहा है, बट अदरवाइज लाइक लावा तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होता। वाटर तो भाई सबसे रियलिस्टिक चीज है ये पूरे शेडर पैक का, तो वाटर तो यार मजा आ गया वाटर देखे। एंड थोड़ा सा और लैंडस्केप को जो हम एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पे जो है बीस भी है, एंड भाई बीस को मार दें, बट ये तो क्रिएटिव है, हम पे अटैक नहीं करेगी बीस। भाई कर रही है क्या अटैक? नहीं कर रही, चलो। एंड यू नो सी तो ऑफ कोर्स एकदम रियलिस्टिक है। तो आई गेस यार शेडर पैक तो डेफिनेटली बहुत रियलिस्टिक है, आई थिंक इट्स द बेस्ट यू कैन गेट एक्सट्रीम वर्जन मेरा। सो ये शेडर पैक तो हो गया, अभी ट्राई करते हैं कि भाई सबसे अच्छा टेक्सचर पैक डालने के बाद कैसा लगता है हमारा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। ओके गाइस, तो मैंने डाल दिया है टेक्सचर पैक, बट आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाला टेक्सचर पैक थोड़ा ठीक नहीं है। आगे जब हम लोग लेट्स प्ले करेंगे माइनक्राफ्ट का, तो मैं अच्छा वाला टेक्सचर पैक डाल दूंगा, बट फिलहाल के लिए तो टेक्सचर में कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है मुझे। पता नहीं भाई कहाँ से लाया टेक्सचर पैक, चलो जो भी है, बट यार एकदम रियलिस्टिक है। तो आप सोचो कि अगर शेडर पैक डालने के बाद इतना रियलिस्टिक दिख रहा है, तो टेक्सचर पैक डालने के बाद कितना रियल हो जाएगा। तो गाइज यही था आज का वीडियो, बस बताना था आप लोगों को कि भाई हम लोग लेट्स प्ले करने वाले हैं, जिनको ऐसा लगता था कि माइनक्राफ्ट मतलब कि ग्राफिक्स तो होता ही नहीं है, तो यार ये उनके लिए वीडियो था दिखाने के लिए कि भाई जब लेट्स प्ले करने वाले हम, यार क्या सनसेट हो रहा है वहाँ पे, कि जब हम लेट्स प्ले करेंगे तो भाई ऐसे ग्राफिक्स के साथ करेंगे। आप देख सकते हो यार क्या ग्राफिक्स है, तो यार ऐसे ग्राफिक्स के साथ हम लोग लेट्स प्ले करने वाले। तो यार आप चाहते हो यार अगर हम लेट्स प्ले करें सर्वाइवल सीरीज बनाएं, तो यार सबसे पहले तो आप लोग यार कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले फ्यूचर में। एंड गाइस यहाँ पे भी सनसेट हो गया है भाई, आप देखो यार रे ट्रेसिंग जैसा सनसेट है मतलब। तो गाइस अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब करके आ रहे हो, सब्सक्राइब करो अभी का अभी। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, शायद से लेट्स प्ले कर लेंगे भाई, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यार मैं बहुत ऑफन लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो यार सब्सक्राइब करके रखो भाई, बेल आइकॉन दबाना भूलना नहीं।